तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, क्योंकि गाइस आप लोग बढ़िया होंगे तो हम तो बढ़िया रहेंगे ना। और हमको भी बढ़िया बढ़िया से एक सब्सक्राइब भी मिल जाएगा। तो गाइस जो भी चैनल में नया है ना, जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन जरूर एंड फर्स्ट मिल जाए। और गाइस वीडियो देख देखते और बीच में एक लाइक भी कर देना, लाइक भी बनता है दोस्तों। आज के जो एडिटिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं हम, वो कैसा रहेगा कि हम डायरेक्ट आपको दिखाएंगे, चाहे ये 5 मिनट का वीडियो, चाहे 10 मिनट का वीडियो, चाहे 1 घंटा का भी वीडियो, बट आपको देखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, है ना, मेहनत कर रहा हूँ। आप भी कुछ सीखेंगे इसमें। और गाइस जो इसका जो वीडियो का जो डिटेल में कैसे आपको क्या करना है, इसको आपको कौन सा हिसाब से देना है, इफेक्ट देना है, ये चीज़ें आपको पता चल जाएगा इस वीडियो का अंदर। कि जैसे हम इस तरह का फ़ोटो को कुछ इस तरह का करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है और कैसे क्या करना होगा आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमने अभी ले चुके हैं लाइट रूम में, और लाइट रूम में हम काम करेंगे अभी से। तो लाइट रूम में पहले जाएंगे, हमारा इधर थोड़ा लाइट को एडजस्ट कर लेंगे, जैसे कि आपका हिसाब से कुछ लाइट वगैरह कितने क्या रखना है वो रख लेंगे। तो अभी इसको भी बाद में काम करेंगे, बट इसमें अभी थोड़ा कर लेंगे ना, कि हमको थोड़ा प्रॉपरली चीज़ें थोड़ा ध्यान में रह जाएगा, तो इसलिए हमको मैं अभी इतना ही करूँगा, क्योंकि मेरे को बाद में करना है, अभी नहीं करना। अभी करेंगे तो थोड़ा बहुत पता चलेगा, बाद में अपन एडजस्ट कर सकते हैं, कलर के हिसाब से लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस हमको जाना है कलर पे, ठीक है। कलर पे जाने के बाद ये अपना सेटिंग को थोड़ा देख लेना, इधर इतना ऐसे करना है, क्या कैसे करना है हमको, थोड़ा ऑरेंज टोन देना है, तो इसीलिए हमको थोड़ा ऑरेंज का तरफ जाना है, ठीक है। इसको रख देना 6 रख देना है, इसको रख देना है -6, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, कलर को थोड़ा बढ़ा देंगे, तो 3 रखना है, बस इस इतना ही रखना है। और उसके बाद जाएंगे इधर, जाना है आपको किधर, ये जो 3 टोन्स वाले पे जाना है, सॉरी गाइस इसमें नहीं जाएंगे, पहले मिक्स पे जाएंगे, ठीक है। मिक्स पे जाने के बाद हमको रेड को करना है ऑरेंज, ऑरेंज नहीं, हाँ थोड़ा ही ऑरेंज का मोड लेते हैं, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, ठीक है, हाँ थोड़ा डार्क कर लेते हैं कि मज़ा आएगा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद जाना है ऑरेंज पे, ऑरेंज पे जाने के बाद ऑरेंज को तो अपना करना क्या है, ऑरेंज को डार्क कर, सॉरी गाइस डार्क करेंगे तो फेस का ऊपर डिपेंड करता है अभी, तो ऑरेंज को थोड़ा वाइट कर लेते, मतलब फेस थोड़ा वाइट कर लेंगे। उसके बाद जाना है हमारे येल्लो पे, येल्लो को फुल घींच लेना है आपको ऑरेंज की तरफ, और इसको थोड़ा इसको डार्क कर देना, ठीक है। डार्क करने के बाद इसको थोड़ा लाइट डार्क इफेक्ट दे देंगे। ये सब सेटिंग वगैरह सब चीज़ें ध्यान में रखना है, ये चीज़ें आपको धीरे धीरे वीडियो देखने, कोई भी जल्दी नहीं है, हम वीडियो को लास्ट तक देखेंगे इसीलिए, क्योंकि हमको पूरा डिटेल पता चले। तो उसके बाद जाना है ग्रीन पे, इधर आएगा हमारा काम। तो उसके बाद हमको ग्रीन को क्या करना है, थोड़ा ऑरेंज का मोड देना है, ऐसे इतना पूरा ही ले लेते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना है ना, सेचुरेशन को इसका करना है 23 और ऊपर वाला को करना है। उसके बाद हमको ऑरेंज टोन को थोड़ा हाईलाइट करना है, जैसे कि हम 31 देख रहे हैं। उसके बाद जाना है इस पे, इस पे जाने के बाद आपको इतना इसको कम कर देना है, मतलब पूरा कम ही कर देना है। इसके बाद थोड़ा इसको लाइटिंग दे देंगे। ब्लू पे जाना है, ब्लू पे जाने के बाद अपना हिसाब से वो कर लेना, इसको थोड़ा बहुत भी एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। मेरे को थोड़ा ऑरेंज का ऊपर डाउट हो रहा है, जैसे कि ऑरेंज इफेक्ट थोड़ा लाना चाहिए, तो जैसे कि मैं येल्लो पे थोड़ा छेड़छाड़ करता हूँ, शायद मुझे कुछ मिल सके। हाँ भाई, इधर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो थोड़ा ऑरेंज इफेक्ट और एक्स्ट्रा आ रहा है,
तो हम इधर कर देते हैं, उसके बाद जाना है किधर, पिंक पे जाना है, पिंक में थोड़ा छेड़छाड़ कर लेते हैं इतना। उसके बाद जाएंगे इधर, ये पर्पल पे गए थे, अभी पिंक पे जाएंगे, पिंक पे थोड़ा देख के आराम से एडजस्ट कर लेंगे। तो गाइज अभी हमको क्या करना है, अभी हम जाएंगे परफेक्ट जो मिक्स टूल है, जो टूल्स है इसका ऊपर जाना है। इसको ऊपर जाने के बाद हम इसको कलर मिक्स करेंगे, ऑरेंज के साइड पे थोड़ा लेंगे, ऑरेंज पे, वाह गाइस, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, हाँ आ गया ये, थोड़ा ऑरेंज भी आएगा, ऑरेंज रेड पे। तो उसको नेक्स्ट नेक्स्ट भी जाना है, नेक्स्ट में जाने के बाद हमारे इधर ही ऑरेंज शूट कर जाएगा शायद, पिंक पे आ रहे हैं। देख सकते हैं इसमें कितना क्या है, और इसका भी दिखा सकता हूँ आपको, है ना, ऐसा करना है। उसके बाद इस पे जाना है, इस पे जाने के बाद हमको करना क्या है, वही अरेंज को थोड़ा सा हल्का ही बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं तो हो जाएगा, इस इधर बहुत ज़्यादा भाग रहा है ये। तो गई इसको थोड़ा सा ही हम एडजस्ट किए हैं, नहीं तो ज़्यादा लाइट हो जाता है गई, इसीलिए हाँ इसे ही करेंगे। उसको जाएंगे इस पे जाने के बाद हम इस पे क्या कर सकते हैं, इसमें भी थोड़ा ऑरेंज का टोन देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा कर देते हैं भोला वाला ऑरेंज, बस इतना ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा थोड़ा लाइट लग रहा है। फिर भी हम लाइट में, मैं बोला था ना आपको, लाइट उधर एडजस्ट करने के बाद हमारा क्लियर हो जाएगा। तो उसको जाना है फिर, अभी हमारा ये वाला परफेक्ट हो गया, उसके बाद लाइट पे जाएंगे, ठीक है, लाइट पे थोड़ा उधर जाकर एडजस्ट करेंगे, ठीक है, कंट्रास्ट थोड़ा हाई कर रखेंगे, हाईलाइट को शेडो, अब थोड़ा देखेंगे, है ना, 22 रखा है शेडो, वाइटनेस को थोड़ा कम करेंगे, ब्लैक्स को थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी प्रॉपर हमारा फोटो जो है ना वो हाईलाइट करेगा, जैसे हमारा फोटो ना मतलब ऊपर आएगा कि हाँ ये शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, इसको डन कर देना है। उसके बाद हमको जाना है ये वाला ऑप्शन पे, ये वाला ऑप्शन में आपको क्या है, इस वाला ऑप्शन में आपको क्या मिलता है, इस वाला ऑप्शन में आपको मिलेगा ये कि इसमें आप अपने फ़ोटो का डिटेल दे सको, ठीक है, जो फेस का क्वालिटीज़ वगैरह ये सब चीज़ें इसमें मिलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना और इसको थोड़ा आराम से करना, ठीक है गाइस। अभी मैं इसको इतना दिया, स्ट्रक्चर दिया इतना, क्लैरिटी को मैं दे रहा हूँ 46, क्योंकि क्लैरिटी के हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब ऑरेंज इफेक्ट है, ऑरेंज इफेक्ट है तो हम क्लैरिटी थोड़ा ज़्यादा देंगे, तो मतलब अब क्लैरिटी ज़्यादा देंगे तो उसमें क्या होता है, आपका जो ऑरेंज इफेक्ट है ना वो थोड़ा डार्क टाइप का हो जाता है, ठीक है। इसे इसको थोड़ा आपको, इसको थोड़ा लाइटिंग करते हैं, देखते हैं क्या होता है, नहीं थोड़ा ज़्यादा लाइट हो जाता है वो नेचुरल लेना है बस, अभी ठीक है। अभी विग्नेट पे काम करना है, थोड़ा विग्नेट को देना है, इतना नहीं, -5.4 ही रखना है, बस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बढ़ना है 55, अभी हो चुका है हमारा फोटो रेडी। ओके गाइस, तो फोटो रेडी हो चुका है, ऐसे आप देख चुके हों फोटो को, बीफर दिखा सकता हूँ आपको, देखो बीफर ऐसा था, तो आफ्टर में ऐसा हो चुका है। तो वीडियो कैसा, तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।